नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है गुलमोहर, और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलमोहर एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे राहुल बी चेतना ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में शर्मिला दोहर, मनोज वाजपेयी, मिश्रा, सूरज शर्मा, अमोल पालेकर और कावेरी सेठ जैसी अनंत कलाकार है। इसे 3 मार्च 2023 को डिजिटल पर हॉटस्टार पर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। बत्रा परिवार कई दर्शकों से गुलमोहर नाम के घर में रह रहे हैं, जैसे कि उनके गुलमोहर बिला को उच्च वृत्ति के लिए रास्ता देने के लिए लाया गया है। बुक्स स्पीकर्स और मूवर्स के लेने के पहले परिवार आखिरी पार्टी के लिए मिलना था। हालांकि मगजल और गपशप के दौरान उनके रिश्ते को कलहपूर्ण नोट उजागर हो जाने के व्यक्ति उनके हसंत वर्तमान में अशांत अतीत के मेघ से जाता है। अमृता पोस्टकार्ड नियति पर ढूंढ स्टेशन भेद करते हैं। कुमकुसुम बत्रा ने शर्मिला टैगोर, अरुणा बत्रा के रूप में मनोज वाजपेयी, सिमरन तगीर इंदु बत्रा के रूप में संजय वर्मा, आयता आदि बत्रा के रूप में सुधाकर बत्रा के रूप में अमोल पालेकर, दिव्या बत्रा के रूप में कावेरी सेठ, प्रताप झा, वतुदा बत्रा के रूप में अनिशा सूद, कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा, अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में, सरसेस आल शर्मा के रूप में, उमेश सेठ के रूप में हेमवी बलंतंजन, चंदू चीतू कुमार के रूप में, जनित गोस्वामी, चंद्र राय परम के रूप में, मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में, कलव पंचित अविनाश के रूप में, विनोद नागपाल बाबा और उनके जन के पिता के रूप में, जिनी दाब दीपिका के रूप में, देश पांडे के रूप में, अभिनव भट्टाचार्य, तेजी साहू विवेका के रूप में, गायल के रूप में, नरगेश समीर के रूप में, वरुण नारायण रॉकी के रूप में, तनिष्क सेठ, दीपक बग्गा सूरी के रूप में, युवा कुसुम के रूप में, हिमा कमर, संजना योगदी, युवा रुपया के रूप में। गुलमोहर को अंतर को साकार समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर, वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। NDTV के सीकर चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि इस मूल ड्रामा को बहुत अधिक सौंदर्यमय है। कलाकारों के कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट है, जो सिमरन अपनी पत्नी दून के रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता की उल्लेखनीय है जिनका पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक ज्यादा आलोचनात्मक ही, जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर संवाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। जोशी संजीव कटिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों के संबंधों को प्रदर्शित करके उसने युवा प्रदर्शकों के खुलाने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्थिति के बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी, जंगली प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजगिरी लेनी में अनुमति दिया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है जिसके फाव शामिल रेस्तरा का कार्ड में उसकी मुलाकात आदिशी सेतुधा से हो शर्मिला ठाकुर से होती है, जो एक युवा पत्रकार है, जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्द ही अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम सुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। अदिति शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बोध बहुत स्पष्ट हो जाती है। नमत गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो, क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे के कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था, लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जिससे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सप्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्रख्यात था। इस डर
उसे कि वही घर आत्महत्या तो ना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्पील रहती है, उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। अदिति को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के उपहार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के पुचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने साल गुलमोहर बला बिला में बिताए गए, लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुट मिश्रा बलिदकार का सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है, जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुट चौहान वाली घोषणा करते हैं, उसने पंडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाती है। फिर वो परिवार को होली की त्यौहार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते हैं ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सकें। हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें एक पूर्ण लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक है, तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक व्यवस्था से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँच रहा, लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं को सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइट मार्शल हूँ यादव, जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधरंदा एक प्रति रामप्रण कुत्ता ओचा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने पहुंचे और सभी यात्री के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास सत्री का संचूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली, ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट में डकैती के अंजाम देने से इनका मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था, लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी संधानशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सक्रियों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्था को पन कर पड़ताव के रूप में काम करते थे और गप्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगी जिसके वो बेहोश हो जाते हैं। सुधांशु पायलट मार्शल होने के नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा, जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे संस्कृत हटाने के बाद यात्रियों के साथ। नेहा आसमान को एक गुमनाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी, मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्मपूरित होकर यकीन उसकी नींद में खलल पंडा करता है, जो बैंग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उसका उपेक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। रकोड़ा गब्बू अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंकी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए लिया जाता है। जब कोहिकता की गोद लेने के वाला आखिर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं, हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है, जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते ने चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति
उर्फ आदि है, एक दिन चार्ली हेस में होती है, जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लीहा बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यातना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ में खुलना पसंद है, क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता देविका सोचनी के धर्म प्रचारी के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने की विशेष सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पुरुष चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है, जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एलिफेंट की टीम भी रिव्यू किया। देविका अपनी टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है, जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और देविका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सरकार की होती है, जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ, तथा जहाँ वधुता बत्रा के रूप में अरिशा सूद, कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा, रीका शाह नीना बत्रा के रूप में सक्सेस, अल शर्मा के सूद के रूप में उमेश सेठ के रूप में हेमबी बलंतगंजन, चंदु चीतू कुमार के रूप में चंदित गोस्वामी, चंद्र राय फोरम के रूप में मुगम्बर दीवान, इरफान खान के रूप में तलब रंजीत, अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके जन्म के पिता के रूप में दिनी दाब, दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य, तेजी साहू विवेका के रूप में, गायल के रूप में नरेश नारायण, समीर के रूप में वरुण नारायण, रॉकी के रूप में टनिस के सेठ, दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुर्बा, कुसुम के रूप में हिमा कमर, संजना योगी युवा रुपया के रूप में गुनमोहर को हम तब को साकब तो समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर, वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन का प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्वल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि इस मूल ड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्यमय कलाकारों के कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून ब्रेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रसंग से विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट जो सिमन अपनी पत्नी दून रूप में है, दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता की उल्लेखनीय है जिनका पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही, जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संवाद की आवश्यकता थी, जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। गोसी जीव करतिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों की संबंधों को प्रदर्शित करते हुए उसने युवा प्रदर्शकों के खुलावाने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्वीकृति के बाद था, जिसका उपयोग विविधा का स्वभाव पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी, जंगली प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजदेवी लेनी में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है, जिसके फल शामिल होता है। रेस्तरा का कार में उसकी मुलाकात आदिशी सेतुसा से शर्मिला ठाकुर से होती है, जो एक युवा पत्रकार है, जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए सेतुसा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम अनुसुरक्षा और अपनी शक्तियों के संज्ञाओं को चेतनाओं को भी शामिल आता है। आदित्य शुरू में सुरक्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करते हैं, जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत
बहुत स्पष्ट हो जाती है। नमत से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं, जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो, क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ छुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में हैं और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाह के पीछे के कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था, लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया, जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सप्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्रफियार था, इस डर से कि वहीं घर आत्महत्या का ना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करते हैं कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्थिर रहती है, उसकी जांच करते हैं, उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। अदिति को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के फाड़ देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमते हैं जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए, लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुट मिश्रा बलित्कार का सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है, जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने के लिए तैयार हो जाता है। मुकुट चौहान बाली घोषणा करती है, उसने पांडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की तैयार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है, उन्हें एक पूर्ण लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक है, तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक दस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचा है, लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चता है कि असली लापाइट मार्शल यादव है, जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति रामपरण कुर्ता ओचा अधिकारी परवेज खेख अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानों ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास संतरे का संसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित को पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट में डकैती के अंजाम देने से इनको मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था, लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसके सामने पुराने साथी सुनांशु से संपर्क किया था और उन्होंने उनकी तबला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतियों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्थक उत्पन्न कर वर्ताओं के रूप में काम करते थे और गप्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। सुधांशु पायलट मसल होने के नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा, जबकि अपहरणकर्ता मिल जाएंगे सांस को हटाने के बाद यात्रियों के साथ। यहाँ तो एक गुमनाम फोन कॉल करती है और उस पर जवाब डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी, मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्मपोड़ित होकर यह उसकी नींद में खलल पंडा करता है, जो बैंग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। शिल्ला धर्म को उसका उपेक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ों को वो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंकी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते
हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए कहा जाता है। जब कोहिता की गोद लेने के वाला आखिर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहाँ उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है, जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया, जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है, एक दिन चार्ली हेस में होती है, जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लेच बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार योतना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खोलना पसंद है, क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता देविका चौधरी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लग रहे कि ये सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है, जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एलिफेंट की टीम ये रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है, जो धर्म के लिए एक फास्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सफराई की होती है, जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ, सत्तर झा वधुदा बत्रा, उकेत रूप में अनिशा सूद, कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा, अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में, सरसेस अल शर्मा विकेश के रूप में, उमेश सेठ के रूप में, हेनरी बलरंजन, चंदू चीतू कुमार के रूप में, चंदित अशोक गोस्वामी, चंद्र राय फोरम के रूप में, मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में, तलब रंजीत अविनाश के रूप में, विनोद नागपाल बाबा और उनके धन के पिता के रूप में, जिनी दाब दीपिका के रूप में, देश पांडे के रूप में, अभिनव भट्टाचार्य, तुलसी साहू विवेका के रूप में, गायल के रूप में, नरेश समीर के रूप में, वरुण नारायण रॉकी के रूप में, टनिस्क सेठ, दीपक बग्गा सूरी के रूप में, दुर्गा कुशुल के रूप में, हिमा कमर, संजना योगी युवा रुपया के रूप में, झुलमोहर को मंत्र को साकार समीक्षा मिली। आलोचक से टैगोर वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्रेट चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि उस मूल ड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्यमय कलाकारों के कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा से विशेष प्रशंसा करती हुई कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट है, जो सिनोन अपनी पत्नी दून रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनता पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मैनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही, जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संपाद की आवश्यकता थी, जिसमें कुछ सबल प्लस्ट अधूरे लग रहे थे। संजीव करतिला के कहा कि फिल्म कात्रों के गवराई के बिना दो हमलों की संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुलाने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्थिति के बाद था, जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थे, जंगली प्रेरित थे। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लेली में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है, जिसके फाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार्क में उसकी मुलाकात आदिशि सेतुसा से शर्मिला ठाकुर से होती है, जो एक युवा पत्रकार है, जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए
वो एक जल्द ही अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम सुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करते हैं, जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीजें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। मर्मज्ञ गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं, जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो, क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे का कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था, लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया, जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सट्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्यार था, इस डर से कि वही घर आत्महत्या ना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्पील रहती है, उसकी जांच करते हैं, उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। आदित्य को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासहानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के फार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार को इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए, लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुद मिश्रा बलित्कार के सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है, जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुद चौहान वाली घोषणा करती है, उसने पांडिचेरी में एक बंगाला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की त्यौहार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते हैं, ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें क्रूर लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक दस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँच रहा, लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाया गया। ये पता चलता है कि असली लापाइट मार्शल यादव है, जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति रामप्रण कुत्ता ओचा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास सत्री का संसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट ने डकैती के अंजाम देने से इनकी मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था, लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुनांशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतियों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्थक बन कर पड़ताव के रूप में काम करते थे और गप्तर के उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। निहार भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने की नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा, जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे संस्थक हटाने के बाद यात्रियों के साथ। नेहा असल को एक हंगाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी, मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोदित होकर यह उसकी नींद में खलल पैदा करता है, जो बेघर
व्यंग व्याघ क्योंकि वो नष्ट कर देता है। शिला धर्म को उसका उपेक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ा गप्पू अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंकी गई डंडी के खा रहता है। यह धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते यहाँ पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए लिया जाता है। जब कोहिता की गोद लेने के वाला कखंड कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहाँ धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदि की उर्फ आदि है। एक दिन चार्ली हेस में होती है जहाँ धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लेहच बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार योजना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उससे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ लेके खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता देविका सोचनी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने की ये सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एल्फेबेट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सब राय की होती है जो आपके और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्यप झा वटूरा बत्रा के रूप में अहिंसा सूत कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सरसेज अल शर्मा केशव के रूप में उमेश सेठ के रूप में हेमबी बलरंजन चंदू चीतू कुमार के रूप में चंदित गोस्वामी चंद्र राय परम के रूप में मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके जन्म के पिता के रूप में दिनी दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य ऋषि साहू रेखा के रूप में गायल के रूप में नरगीश नरस समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में टनिस के सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुबा कुसुम के रूप में इमा कमर संजना योगदी युवा रुपया के रूप में गुलमोहर को हम सबको साकप्त समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्वल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि मूल ड्रामा को बहुत अधिक सौंदर्यमय कलाकारों के कलाकारों की टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट है जो सिनोन अपनी पत्नी दून रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता की उल्लेखनीय है जिनता पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर संवाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। गोसी जीव करतिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो समलोकी संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। उसने युवा प्रदर्शकों के खुला होने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्मृति के बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी जंगली प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक वशिष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजगिरी लेने में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है सुबह का
अखबार बात है और उसके साथ ही विवाद पर एक लेख होता है जिसके बाद सामिजा रेस्तरा का कार्ड में उसकी मुलाकात आदिशी से हो सामिजा ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक परिशुदन महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम अनुसुरक्षा और अपनी शक्तियों के सीमाओं की चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में संयुक्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करते हैं जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। उसे शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी जो फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे का कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सप्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्यार था इस डर से कि वहीं घर आत्महत्या करना कर ले। आदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाएं। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्थिर रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है जो आदित्य को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासहानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के उपहार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार घूमते हैं जिसे अपने साल गुलमोहर बला दिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुट मिश्रा बलात्कार के रूप से बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिनके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुट चौहान वाली घोषणा करते हैं उसने पंडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की तैयार तक में चार दिनों बिताने के लिए कहते हैं ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें एक कूड़ लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक वस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचा है लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के गुरी लापता पाया गया। ये पता चलता है कि असली लापाइड मार्शल यादव जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति रामप्रण कुर्ता ओचा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास सत्रे का संसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनका मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके याददाश्त के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सहयोगियों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्था को बंद कर वर्ताओं के रूप में काम करते थे और गप्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने की नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे संस्था को हटाने के बाद यात्रियों के साथ। यहाँ आसमान को एक घूमघाम
फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी, मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोदित होकर युवक उसकी नींद में खलल पंडा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उपका उपक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ा को वो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए जाता है। जब कहता है कि गोद लेने के वाला कहकर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है। एक दिन चार्ली हेस में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लेहा बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यत्न के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता दीपिका सोचनी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एलिफेंट की टीम रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सफ राय की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्यव झा वतुरा बत्रा उकेत रूप में अहिशा सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सरसेस अल शर्मा विकेश के रूप में उमेश सहित के रूप में हेम्बी बलंतकंदन चंद्र चीतू कुमार के रूप में जनित गोस्वामी चंद्र राय फोरम के रूप में मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके जन्म के पिता के रूप में नंदिनी दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य तेजी साहू विवेका के रूप में गायल के रूप में नरगिस समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में टनिस के सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुविभा कुसुम के रूप में इमा कमर संजना युवदी युवा रुपया के रूप में गुलमोहर को हम तब को साकप्त समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीपी चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि मूल ड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्यमय है। कलाकारों के कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून ब्रेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रसंग से विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट है जो सिमन अपनी पत्नी दून के रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनका पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संपाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। गोसी
संजीव कर्तिला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों की संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुलाने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्थिति के बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी जंगली प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ ही विवाद पर एक लेख होता है जिसके फाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार में उसकी मुलाकात आदिशी से शर्मिला ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षक भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम सुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविनिरीक्षण होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। मम्मत गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अन्य प्रेमिका के साथ छुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे के कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सट्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्यार था, इस डर से कि वहीं घर आत्महत्या का ना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्पीड रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। अदिति को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बनाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के फाड़ देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुद मिश्रा भरितकार का सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुद चौहान वाली घोषणा करती है उसने पंडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की त्यौहार तक में चार दिनों बिताने के लिए कहते ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है, उन्हें कूर लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक दस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचता है लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चता है कि असली लापाइड मार्शल यादव है जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति रामपरण कुर्ता ओचा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास सत्री का संसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनका मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके याददाश्त के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने उनकी बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सहयोगियों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में समस्त को
लेकर वर्ताव के रूप में काम करते थे और गप्तर के उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने से निहार भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने के नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ता मिल जाएंगे शास्त्र हटाने के बाद यात्रु के साथ। यहाँ को एक गुमनाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर जवाब डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी, मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोदित होकर व्यक्ति उसके नींद में खलल पैदा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उसका उपेक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ा गब्बो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए लिया जाता है जब कोई की गोद लेने के वाला कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहाँ धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है एक दिन चार्ली हेस में होती है जहाँ धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लेहा बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यत्ना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ में खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता देविका सोचनी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एलिफेंट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सब राय की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ, सत्यव झा, वधुता बत्रा के रूप में, आयशा सूद, कमाल बत्रा के रूप में, अनुराग अरोड़ा, रधिका सहन, रीना बत्रा के रूप में, सरसेस अल शर्मा, विकेश के रूप में, उमेश सेठ के रूप में, हेम्बी बलंसंजन, चंदू चीतू कुमार के रूप में, चंदी धूप गोस्वामी, चंद्र राय परम के रूप में, मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में, तलब अंजीत अविनाश के रूप में, विनोद नागपाल बाबा और उनके जन्म के पिता के रूप में, दिनी दाब दीपिका के रूप में, देश पांडे के रूप में, अभिनव भट्टाचार्य, तेजी साहू रेखा के रूप में, गायल के रूप में, नरगिस समीर के रूप में, वरुण नारायण रॉकी के रूप में, टनिस्क सेठ, दीपक बग्गा सूरी के रूप में, दुविभा कुसुम के रूप में, इमा कमर, संजना युगदी युवा रुपया के रूप में, गुलमोहर को अंतर को साकार समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर, वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्रेट चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि मूल ड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्य है। कलाकारों के कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा से विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट जो
सिमरन अपनी पत्नी दून रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनता पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मैनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर संवाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। घोषी जीव करतिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुला होने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्थिति के बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी जंगली प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लेनी में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है जिसके भाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार में उसकी मुलाकात आदिशी श्रीतुल्सा से होशमिला ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए श्रीतुल्सा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम सुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करते हैं जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। नमक गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे का कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सप्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्यार था इस डर से कि वहीं घर आत्महत्या करना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाएं। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में फिर रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। अदिति को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासहानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बनाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के फाड़ देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुट मिश्रा बलिकार के सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिनके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुट चौहान वाली घोषणा करती है उसने पांडिचेरी में एक बंगाला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की त्यौहार तक में चार दिनों बिताने के लिए कहते हैं ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सकें। हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें एक कूड़ लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक वस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँच रहा लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइड मार्शल यादव है जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति रामपरण कुत्ता ओचा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास सत्री का संचूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनका मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी
सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने उनकी तबदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतीयों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्था को पन कर उपहर्ताओं के रूप में काम करते थे और दफ्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। निहार भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने की नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे संस्थ को हटाने के बाद यात्रु के साथ। यहाँ सन को एक गुमनाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को खबर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी। मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोधित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पंडा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उपका उपक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ों को वो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए कहा जाता है। जब कोहिता की गोद लेने के वाला कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहाँ धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है। एक दिन चार्ली हेस में होती है जहाँ धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लेहब बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार योजना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता दीपिका चौधरी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। विकेट को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एलोफेट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपनी टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर से फटाई की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ तत्व जहाँ वतुता बत्रा के रूप में अहिशा सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका शाह नीना बत्रा के रूप में सरसेस अल शर्मा के रूप में उमेश सेठ के रूप में हेम बी बलंत कंगन चंद्र चेतु कुमार के रूप में चंदित गोस्वामी चंद्र राय फोरम के रूप में मुगम्बर दिदीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके धन के पिता के रूप में दिनी दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अमिताभ भट्टाचार्य ऋषि साहू विवेका के रूप में गायल के रूप में नरेश समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में गणेश के सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में युवा कुसुम के रूप में इमा कमर संजना योगदी युवा रुपया के रूप में गुलमोहर को अंतर को साकप्त समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन का प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्वल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि मूल मेलोड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्य है। कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की
अभिनय प्रशंसक विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट है और जबकि मनोज उत्कृष्ट है, जो सिमन अपनी पत्नी रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनका पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही, जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर संवाद की आवश्यकता थी, जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। घोषी जीव कर्तिला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों के संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। उसने युवा प्रदर्शकों के खुला होने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्मृति के बाद था, जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी, जंगली में प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लेनी में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है, जिसके भाव शामिल होते हैं। रेस्तरा का कार्ड में उसकी मुलाकात आदिशी श्रीदुर्गा से शर्मिला ठाकुर से होती है, जो एक युवा पत्रकार है, जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए श्रीदुर्गा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्द ही अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम असुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। अदिति शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है, जिससे उसकी और उसके अधिक मन विक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं, जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल है, क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपन पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाह के पीछे के कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो शामिल था, लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया, जिससे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सप्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्रख्यात था, इस डर उसे कि वहीं घर आत्महत्या करना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करते हैं अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्थिर रहती है, उसकी जांच करते हैं, उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। आदित्य को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के उपहार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए, लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुद मिश्रा बलात्कार का सबसे बुजुर्ग, जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है, जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुद चौहान वाली घोषणा करते हैं, उसने पंडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की तैयार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते हैं, ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है, उन्हें एक कूड़ लड़ाई में शामिल हो जाता है, दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक है, तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मारे गए हैं। तीनों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक वस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँच रहा, लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइड मार्शल हूँ यादव, जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था, और सुधांधा एक प्रति रामपरण कुर्ता ओचा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास सत्री का संसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था, ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनकी मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था, लेकिन अंकित
जिसे सिर्फ उनकी याददाश्त के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने उनकी तबदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतीयों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्था को बंद कर वर्ताओं के रूप में काम करते थे और दफ्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने की नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे संस्था को हटाने के बाद यात्रियों के साथ। नेहा शांत को एक हंगाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को खबर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी, मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्मपुरित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पैदा करता है जो बैंगो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उसका शिक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। रिकॉर्डो को वो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है। धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंकी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए जाता है जब कहता है कि गोद लेने के वाला कुत्ता कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है। एक दिन चार्ली हेस में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लेहा बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यातना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता देविका सोचनी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। विगट को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एल्फेट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सब राय की होती है जो आपके और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्तर झा बतूता बत्रा उकेत रूप में अहिशर सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सक्सेस आलू शर्मा मुकेश के रूप में उमेश सेठ के रूप में हेमबी बलंत कंजन चंद्र चीतू कुमार के रूप में चनित भूषण गोस्वामी चंद्र राय परम के रूप में मुगम्बर दिदीवान इरफान खान के रूप में तलब रंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके धर्म के पिता के रूप में जिनी दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य तीसरी साहू विवेका के रूप में गायल के रूप में नरगीश समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में टनिस के सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुईबा कुसुम के रूप में इमा कमर संजना युवा कुप्रिया के रूप में गुरमोहर को
हम सबको साक्षात समीक्षा मिली आलोचकों से टैगोर वाजपेयी और विमलन के प्रदर्शन का प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्वल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि मूल ड्रामा को बहुत अधिक सौंदर्यमय है। कलाकारों की टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुल मोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा से विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट जो सिमरन अपनी पत्नी दून रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता की उल्लेखनीय है जिनका पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संवाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। गोसी जीव कर्तिला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों के संबंधों को प्रदर्शित करके उसने युवा प्रदर्शकों के खुलावाने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्थिति के बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी जंगली में प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लीली में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है जिसके भाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार्क में उसकी मुलाकात आदिशी श्रीतुषा से शामिल ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक प्रतिष्ठित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए श्रीतुषा भी घरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम सुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों को चेतनाओं को भी शामिल आता है। आदित्य शुरू में संयुक्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करते हैं जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बोध बहुत स्पष्ट हो जाती है। नमत गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अन्य प्रेमिका के साथ छुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाह के पीछे के कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जिससे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सप्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्रख्यात था इस डर से कि वही घर आत्महत्या का ना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करते हैं अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाएं। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्पीड रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। आदित्य को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के फार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुद मिश्रा भरितकार के सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिनके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुद चौहान वाली घोषणा करती है उसने पंडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाती है। फिर वो परिवार को होली की त्यौहार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते हैं ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है, उन्हें एक पूर्ण लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक है तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक दस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुंचा है लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइट मार्शल यादव है जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति
रामपरन कुर्ता और चा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास संतरे का सेंचूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित को पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनकी मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने उनकी बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतियों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्था को बंद कर वर्ताओं के रूप में काम करते थे और गप्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगी जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने का नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे सांस को फटाने के बाद यात्रियों के साथ। नेहा सुधांशु को एक हंगाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी। मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोदित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पंडा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उसका उपकक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ों को वो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए लिया जाता है जब कुत्ते की गोद लेने के वाला आखिर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है एक दिन चार्ली हेस में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लेहच बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार योतना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ आगे खोलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता देविका सोचनी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एल्फर्ट की टीम रिव्यू किया। देविका अपनी टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सफराय की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्यव झा वधुता बत्रा के रूप में अनिशा सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सरसेस आदर शर्मा विकेश के रूप में उमेश शहीद के रूप में हेमबी बलंसकंदन चंदू चीतू कुमार के रूप में चंदित गोस्वामी चंद्र राय परम के रूप में मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके धन के पिता के रूप में दिनी दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अमिताभ भट्टाचार्य तेजी साहू रेखा के रूप में गायल के रूप में नरगेश नारायण समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में तनिष्क सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुविभा कुसुम के रूप में इमा कमर संजना युवा कुप्रिया के रूप में गुलमोहर को
आमतौर को साक्षात समीक्षा मिली आलोचकों से टैगोर वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्वल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि उस मूल मेलोड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्यमय कलाकारों के कलाकारों की टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिया और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा से विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट जो सिमन अपनी पत्नी दून रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनका पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संपाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। संजीव कर्तिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुलावाने के लिए स्क्रीन पर नस्कीर पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्थिति के बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी जंगली प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लेनी में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है जिसके फाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार में उसकी मुलाकात आदेशी श्रीकृष्ण से होशमीला ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए श्रीकृष्ण भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम अनुसुरक्षा और अपने शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविनिक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में हैं और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे के कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सट्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्यार था इस डर से कि वही घर आत्महत्या करना कर ले। आदिति ये सुनिश्चित करते हैं कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाएं। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्थिर रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। आदित्य को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के फाड़ देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूलमोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के पुचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार को इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने साल मोहर बला बिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुट मिश्रा बलात्कार का सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुट चौहान वाली घोषणा करती है उसने पंडिचेरी में एक बंगाला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की त्यौहार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते हैं ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें एक पूर्ण लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक है तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक वस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचता है लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइड मार्शल यादव जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति
रामपरन कुर्ता और अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास सत्री का सिंसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट में डकैती के अंजाम देने से इनकी मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके याददाश्त के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सहयोगियों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्था को बंद कर वार्ताओं के रूप में काम करते थे और दफ्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगी जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने की नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे संस्था को हटाने के बाद यात्रियों के साथ। यहाँ आसान को एक गुमनाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को खबर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी। मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोधित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पैदा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उपकक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ा गब्बू अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्मा द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए जाता है जब कोई की गोद लेने के वाला कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है। एक दिन चार्ली हेज में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लीहज बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यौतना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता देविका सोचनी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पुष्य चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एल्फर्ट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपनी टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर्सफ राय की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्तर जहाँ बतूदा बत्रा के रूप में अहिषा सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सरसेस आल शर्मा केश के रूप में उमेश सेठ के रूप में हेमबी बलंसगंजन चंद्र चीतू कुमार के रूप में चंदित गोस्वामी चंदन राय फोरम के रूप में गंभर दीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके गन के पिता के रूप में दिनी दा दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य तेजी साहू विवेका के रूप में गायल के रूप में नरगिस समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में टनिस के सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुबा कुसुम के रूप में इमा कमर संजना युवा रुप्रिया के रूप में
गुलमोहर को अंतर को साखब तो समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर, वाजपेयी और विमलन के प्रदर्शन का प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीफल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 स्टार दिया और कहा कि उस मूल ड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्यमय है। कलाकारों के कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिया और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट है, जो सिमन अपनी पत्नी दून रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनता पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मैनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संवाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लस्ट अधूरे लग रहे थे। गोसी जीव करतिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो अमलौकिक संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुलावाने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्मृति के बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थे। जंगली प्रेरित है जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लेनी में अवमति किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ ही विवाह पर एक लेख होता है जिसके भाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार्ट में उसकी मुलाकात आदिशी श्रीतुल्या से होशमिला ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक अनुसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक घटनाओं के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम अनुसुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविवेक्षक होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। गुरु से शंकर दत्ता का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाह के पीछे का कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जैसे कि वो ले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सप्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्रख्यात था इस डर से कि वही घर आत्महत्या को ना कर ले। आदित्य ये सुनिश्चित करते हैं कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाएं। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्पील रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। आदित्य को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के उपहार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। गुलमोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के पुचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार इर्द गिर्द घूमते जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुद मिश्रा भरितकार के सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिनके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुद चौहान वाली घोषणा करते हैं उसने पांडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की तैयार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें एक क्रूर लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुंच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक दस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचता है लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइड मार्शल यादव है जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति
रामपरन कुत्ता और अधिकारी परवेज खेख अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानों ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास संतरे का सिंचूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनकी मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतीयों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में समस्त कपन कर फरताव के रूप में काम करते थे और गप्तर के उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगी जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने की नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे शास्त्र फटाने के बाद यात्रियों के साथ। यहाँ आसमान को एक गुमनाम फोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी। मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत में उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोधित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पंडा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उपका उपक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ों को वो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए लिया जाता है जब कोयता की गोद लेने के वाला आखिर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते ने चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है एक दिन चार्ली हेस में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर प्लीहा बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यत्न के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याणकर्ता देविका सोचनी के धर्म प्रचारकरी के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एलिफेंट की टीम ये रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर्शप राय की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्यव झा वधुदा बत्रा के रूप में अनिशा सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सरसेस आदर शर्मा विकेश के रूप में उमेश शहीद के रूप में हेमबी बलंसकंदन चंदु चीतू कुमार के रूप में चनित गोस्वामी चंद्र राय वरम के रूप में मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके जन्म के पिता के रूप में दिनी दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य तेजी साहू विवेका के रूप में गायल के रूप में नरगीश नारायण समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में टनिस के सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुविभा कुसुम के रूप में इमा कमर संजना योगदी युवा कुप्रिया के रूप में गुरमोहर को
अंतर को साक्षात्कार समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर, वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन का प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्वल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि मूल ड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्यमय है। कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने मुगल मोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट है। जो सिमरन अपनी पत्नी दून रूप में है, दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनता पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संवाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। गोसी अंजीव कर्तिला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो समलौकिक संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुला होने के लिए स्क्रीन पर नस्कीर पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्मृति को बात था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी। जंगली में प्रेरित है जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लेनी में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ ही विवाद पर एक लेख होता है जिसके भाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार में उसकी मुलाकात आदिशी श्रीदूषा से शर्मिला ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक घटनायु के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम सुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविरक्षण होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीजें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अन्य प्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे का कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सट्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्यार था इस डर से कि वहीं घर आत्महत्या ना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में फिर रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। अदिति को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासहानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बनाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के उपहार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के पुचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुद मिश्रा बलिदकार का सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुद चौहान वाली घोषणा करती है उसने पंडिचेरी में एक बंगाला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाती है। फिर वो परिवार को होली की त्यौहार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते हैं ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें एक क्रूर लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक है तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक वस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचता है लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाई मार्शल यादव जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति
रामपरन कुर्ता और चा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास संतरे का संसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित को पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनका मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतीयों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में समस्त कपन कर पड़ताव के रूप में काम करते थे और गप्तर के उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। निहार भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने की नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ता मिल जाएंगे सांस को फटाने के बाद यात्रियों के साथ। यहाँ आसमान को एक गुमनाम फोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी। मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोदित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पैदा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उपका उपकक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ा गब्बो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए लिया जाता है जब कोहिता की गोद लेने के वाला आखिर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है एक दिन चार्ली हेस में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यत्ना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याणकारी कर्ता देविका सोचनी के धर्म प्रचारकरी के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एल्फेबेट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सफराई की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्यव झा वधुता बत्रा उकेत रूप में अनिशा सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सशेष आल शर्मा विकेश के रूप में उमेश सेठ के रूप में हेमबी बलंसगंजन चंदू चीतू कुमार के रूप में चनित गोस्वामी चंदन राय परम के रूप में मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके जन के पिता के रूप में दिनी दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य ऋषि साहू विवेका के रूप में गायल के रूप में नरगीश नारायण समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में टनिस के सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुईबा कुसुम के रूप में इमा कमर संजना युवा रुप्रिया के रूप में गुलमोहर को
हम सबको साकप्त समीक्षा मिली। आलोचकों से टैगोर, वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन की प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्वल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितारे दिए और कहा कि मूल ड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्यमय कलाकारों के कलाकारों की टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून ब्रेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा से विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट जो सिमरन अपनी पत्नी दून रूप में है, दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनता पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संपाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। गोसी जीव करतिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुलावाने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों की चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्मृति को बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी जंगली में प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लेनी में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है जिसके भाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार में उसकी मुलाकात आदिशी सेतुभूषण से शर्मिला ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक अधिसूचित महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्द ही अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम अनुसुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविनिरीक्षण होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अन्य प्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे के कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सप्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्यार था इस डर से कि वही घर आत्महत्या ना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्थिर रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। अदिति को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासहानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के उपहार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूलमोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के पुचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने सहल मोहर बल बिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुट मिश्रा बलिदकार का सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुट चौहान वाली घोषणा करती है उसने पंडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की तैयार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते हैं ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है, उन्हें एक पूर्ण लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुंच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक वस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचता है लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइड मार्शल यादव जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति
रामप्रण कुत्ता बच्चा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानु ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास संतरे का संसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनका मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके याददाश्त के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतीयों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में समस्त को पन कर पड़ताव के रूप में काम करते थे और गप्तर के उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगी जिसके वो बेहोश हो जाते हैं। सुधांशु पायलट मार्शल होने की नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे सांस को फटाने के बाद यात्रु के साथ। यहाँ असवान को एक गुमनाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी। मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म प्रोधित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पंडा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उपका उपकक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ों को वो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए जाता है जब कोयता की गोद लेने के वाला आखिर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है एक दिन चार्ली हेस में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यत्ना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता दीपिका चौधरी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एलिफेंट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपनी टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सब राय की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्यव जहाँ बतूता बत्रा उकेत रूप में अहिशा सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा अधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सरसेस अल शर्मा विकेश रूप में उमेश शहीद के रूप में हेमबी बलंसकंदन चंदू चीतू कुमार के रूप में चंदित गोस्वामी चंदन राय फोरम के रूप में मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके धर्म के पिता के रूप में दिनी दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य तीसरी साहू विवेका के रूप में गायल के रूप में नरगिस नारायण समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में टनिस के सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुविभा कुसुम के रूप में हिमा कमर संजना योगी युवा रुप्रिया के रूप में गुलमोहर को
आमतौर को सार्थक समीक्षा मिली आलोचकों से टैगोर वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन का प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीखल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 स्टार दिया और कहा कि मूल ड्रामा का बहुत अधिक सौंदर्यमय है। कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने मुगल मोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिया और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट है, जो सिमन अपनी पत्नी दून रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनका पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मैनिका रावल कुकरेजा अधिक आलोचनात्मक ही जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संपाद की आवश्यकता थी जिसमें कुछ सबल प्लॉट अधूरे लग रहे थे। जीव गर्दिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुला होने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्थिति के बाद था जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी जंगली में प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी दिल्ली में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ ही विवाद पर एक लेख होता है जिसके भाव शामिल होते हैं। रेस्तरा का कार में उसकी मुलाकात आदिशी सेतुसा से शर्मिला ठाकुर से होती है जो एक युवा पत्रकार है जो एक अधिसूचन महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक के लिए वो एक जल्दी अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते और अंतिम अनुसुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। आदित्य शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविनिक्षेप होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं जो भी कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अनुप्रेमिका के साथ हुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाह के पीछे का कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं जिसमें वो शामिल था लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सट्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्यार था इस डर से कि वही घर आत्महत्या करना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्थिर रहती है उसकी जांच करते हैं। उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। अदिति को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासहानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के फाड़ देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूल मोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमते हैं जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुंद मिश्रा बलात्कार का सबसे बुजुर्ग जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुंद चौहान वाली घोषणा करती है उसने पंडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की तैयार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है और उन्हें एक कूड़ लड़ाई में शामिल हो जाता है। दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक है तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मारे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक वस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचता है लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइड मार्शल यादव जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधरांदा एक प्रति
रामप्रण कुर्ता ओचा अधिकारी परवेज खेख अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानों ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास संतरे का सिंचूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित के पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने से प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनकी मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतियों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में समस्त उपन कर वर्ताव के रूप में काम करते थे और दफ्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिसके वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने का नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे। सांस को फटाने के बाद यात्रियों के साथ यहाँ असल को एक गुमनाम फ़ोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी। मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत में उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्म पूरित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पंडा करता है जो बैंग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उपका उपक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ा गब्बो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए जाता है जब कोयता की गोद लेने के वाला आखिर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है एक दिन चार्ली हेस में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यत्ना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खोलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याणकारी कर्ता देविका सोचनी के धर्म प्रचारकरी के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पशु चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते की एनियल एलिफेंट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सब राय की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है। तक रूप में कावेरी सेठ सत्यव झा वधुता बत्रा उकेत रूप में अनिशा सूद कमाल बत्रा के रूप में अनुराग अरोड़ा मधिका सहन रीना बत्रा के रूप में सरसेस आलो शर्मा विकेश रूप में उमेश शहीद के रूप में हेमबी बलंसगंजन चंदु चीतू कुमार के रूप में चनित भूषण गोस्वामी चंद्र राय फोरम के रूप में मुगम्बर दीवान इरफान खान के रूप में तलब अंजीत अविनाश के रूप में विनोद नागपाल बाबा और उनके जन्म के पिता के रूप में मंत्री दाब दीपिका के रूप में देश पांडे के रूप में अभिनव भट्टाचार्य तेजी साहू विवेका के रूप में गायल के रूप में नरगिस समीर के रूप में वरुण नारायण रॉकी के रूप में तनिष्क सेठ दीपक बग्गा सूरी के रूप में दुईबा कुसुम के रूप में हिमा कमर संजना युवा रुपया के रूप में गुलमोहर को
हम तरफ को साखब तो समीक्षा मिली आलोचकों से टैगोर वाजपेयी और विमरन के प्रदर्शन का प्रशंसा की। एनडीटीवी के सीक्वल चटर्जी ने फिल्म को 5/4 सितार दिए और कहा कि मूल ड्रामा को बहुत अधिक सौंदर्यमय कलाकारों के कलाकारों के टुकड़ी प्रदर्शन की प्रशंसा की। द इंडियन एक्सप्रेस के आलोचक अलका शहीन ने गुलमोहर और मीरा नायर को मानसून बेडिंग के बीच तुलना की। उसे निर्देशक राहुल बी चेतना की अपने गुरु के श्रद्धांजलि करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखने वाले धवल रॉय ने फिल्म को 3.5 स्टार दिए और कलाकारों की अभिनय प्रशंसा से विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गिरोट उत्कृष्ट के और जबकि मनोज उत्कृष्ट है, जो सिमन अपनी पत्नी दून रूप में है। दोनों का व्यक्तिगत प्रदर्शन उन जनता ही उल्लेखनीय है जिनता पति पत्नी के रूप में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। उन्होंने बाकी कलाकारों के सराहना प्रदर्शन पर प्रशंसा डाला। हिंदुस्तान टाइम्स ने मेनिका रावल कुकरेजा अधिक कलाकार आलोचनात्मक ही, जबकि उसने कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्हें यह भी कहा कि फिल्म को बेहतर प्रसंग संपाद की आवश्यकता थी, जिसमें कुछ सबल प्लस्ट अधूरे लग रहे थे। गोसी जीव कर्तिल्ला के कहा कि फिल्म पात्रों के गवाही के बिना दो हमलों के संबंधों को प्रदर्शित करती है। उसने युवा प्रदर्शकों के खुला होने के लिए स्क्रीन पर स्क्रीन पात्रों के चित्रित करने की स्वीकृति अनुसरण किया। विचित्र प्रतिनिधित्व स्थिति के बाद था, जिसका उपयोग विविधा का भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। फिल्म का प्लॉट कुछ हद तक ईमानदार वर्तमान थी, जंगली प्रेरित है। जंगली फिल्म के प्रसिद्धों के भाव के लिए उत्तम कुमार की एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राजधानी लेनी में आमंत्रित किया जाता है। वो ट्रेन से यात्रा करता है, सुबह का अखबार बात है और उसके साथ विवाद पर एक लेख होता है, जिसके फाव शामिल होता है। रेस्तरा का कार्क में उसकी मुलाकात आदिशी श्रीतुभा से होसन मिला ठाकुर से होती है, जो एक युवा पत्रकार है, जो एक अधिसूचन महिला पत्रिका आधुनिका का संवाद करती है। अपने जैसे लोगों के लिए शिक्षा भी भरे चुपके से उसका साक्षात्कार करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि एक अधिक कठिनाई के लिए वो एक जल्द ही अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना शुरू कर देते। और अंतिम सुरक्षा और अपनी शक्तियों के समयों के चेतनाओं को भी सामने लाता है। अदिति शुरू में गुप्त रूप से नोटिस करता है कि लेकिन बाद में सहानुभूति से भगवान दया की सीमा से बाहर हो जाता है, रुक जाती है। हालांकि स्टार की आलोचना करते हुए वो उससे पूछताछ करती है, जिससे उसकी और उसके अधिक मनोविनिक्षक होता है। धीरे धीरे जिस तरह से चीजें सामने आई उसके बारे में उनका अपराध बहुत स्पष्ट हो जाती है। गुरु से शंकर दत्त का उल्लेख करते हैं, जो कहीं चाहते थे कि अरिंदम फिल्म के शामिल हो, क्योंकि वे माध्यम के प्रबल विरोधी फिल्म के अपने पहले दिन के बारे में बात करते हैं और क्षेत्र में अन्य प्रेमिका के साथ छुए विभिन्न अनुभवों और उनके साथ हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की यात्रा के अंत में अरिंदम नशे में है और अपने गलत कामों को स्वीकार करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। वो कंस्टम से अदिति को लाने के लिए कहता है। वो उस विवाद के पीछे का कारण प्रकट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें वो शामिल था, लेकिन अदिति ने उसे रोक दिया, जैसे कि वो पहले ही अनुमान लगा चुका है। ये उनका अपनी एको एक्सट्रेस के में से एक प्रेमिला के साथ प्रफियार था, इस डर से कि वही घर आत्महत्या करना कर ले। अदिति ये सुनिश्चित करती है कि अपने कक्ष में वापस जाने के पहले वो अपने कक्ष में वापस आ जाए। जैसे ही तारा आदित्य के साथ अपने जीवन में स्थिर रहती है, उसकी जांच करते हैं, उनके बीच एक अंधन विकसित होती है। अदिति को पता चलता है कि अपनी प्रसिद्धि और सफलता के बावजूद अरिंदम एक अकेला आदमी है जिसे महासहानुभूति की जरूरत है। उसके सम्मान में कहानी को बढ़ाने के विकल्प चुनता है और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स के उपहार देता है। वो नायक को अपनी सार्वजनिक छवि बनाए रखते देती है। मूलमोहर एक पारिवारिक ड्रामा है जो पारिवारिक रिश्तों के औपचारिक सामने लाता है। कहानी पात्र परिवार और इर्द गिर्द घूमते हैं, जिसे अपने साल गुलमोहर बिला में बिताए गए, लेकिन अब इसे बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुकुद मिश्रा बलात्कार का सबसे बुजुर्ग, जिनके दिवंगत पति वीर के खरीदा है, जिसके घर कोई एक अपार्टमेंट में रहने लिए तैयार हो जाता है। मुकुद चौहान वाली घोषणा करती है, उसने पांडिचेरी में एक बंगला खरीदते हैं और अच्छे लिए वहां जा जाते हैं। फिर वो परिवार को होली की त्यौहार तक में 4 दिनों बिताने के लिए कहते हैं, ताकि वो ऐसी एक साथ आखिरी बार जश्न मना सके। हाथ से बंदूक छीन लेता है, उन्हें एक कूट लड़ाई में शामिल हो जाता है, दूसरे अपहरणकर्ताओं की पहुँच जाता है और मिलकर अंकित को पीटने की और वॉशरूम में बंद करने देता है। ठीक है, तभी फ्लाइट मार्शल अपहरणकर्ताओं में से एक द्वारा गिराई बंदूक उठाते हैं और उन सभी को गोली मार देता है। माना जाता है कि वे मरे गए हैं। त्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। अपहरणकर्ताओं ने अंकित के शरीर पर एक बम लगाया था और बम निरोधक वस्ता से उसे डिफ्यूज करने के लिए पहुँचा, लेकिन बम निकला। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं के सब विमान के नहीं मिले और सुंधा के भी लापता पाए गए। ये पता चलता है कि असली लापाइड मार्शल यादव है, जो पूरी उड़ान के दौरान बेहोश था और सुधांधा एक प्रति
रामप्रण कुर्ता ओचा अधिकारी परवेज खेक अपनी टीम के साथ मामले की दर्ज करने के पहुंचे और सभी यात्रियों के पूछताछ की। भानो ने खुलासा किया कि उन्हें फ्लाइट में एक गिलास सत्री का सेंसूस परोसा गया और सो सकता है कि वे उसे पीने के बाद बेहोश हो गया है। अंकित को पता चलता है कि उसके द्वारा चुराए गए हीरे नकली। ये पता चलता है अंकित ने इसे प्यार करने के नाटक किया था ताकि वो फ्लाइट के डकैती के अंजाम देने से इनकी मदद कर सके। ये भी पता चलता है कि नेहा को इस सच्चाई का पता चलता था लेकिन अंकित उसे सिर्फ उनके यादेश के लिए इस्तेमाल करा था। उसके सामने पुराने साथी सुधांशु से संपर्क किया था और उन्होंने अंकित से बदला लेने के लिए फ्लाइट के नकली अपहरण को अंजाम देने के खुद हीरे चोरी करने की योजना बनाई जाती है। निक्की और अब्बास सहित एक टीम लाए थे जो सतीयों के रूप में उड़ान भरते थे और बाद में संस्थों को पन कर वर्ताओं के रूप में काम करते थे और गप्तर को उनके लिए कृत्रिम बंदूक बनाने थे। नेहा भानु के रूप में कुछ मिला देंगे जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और सुधांशु पायलट मार्शल होने का नाटक करते हुए हीरे को नकली से बदल देता है। अपहरणकर्ताओं को एक खोली गोली मारकर मारने का नाटक करेगा और भाग जाएगा जबकि अपहरणकर्ताओं मिल जाएंगे सांस को फटाने के बाद यात्रियों के साथ। यहाँ आसान को एक गुमनाम फोन कॉल करती है और उस पर दबाव डालती है कि वो परवेज को जांच बंद करने और मामले को कवर करने का आदेश देता करना। वो हीरे की तस्करी का सच सामने आएगी। मामला बंद कर दिया गया है और वो मीडिया और आम जनता के सामने लाया गया है कि वास्तव में एक अपहरण हुआ था और अपहरणकर्ताओं को मारने के लिए भानु को राष्ट्रीय नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कॉलोनी में एक संगीत उत्सव पिल्ला को डरा देता है और धर्मपूर्णित होकर व्यक्ति उसकी नींद में खलल पंडा करता है जो बैग क्योंकि वो नष्ट कर देता है। सिल्ला धर्म को उपकक्षक मानता है और चुपके से उसका पीछा करता है। लकड़ा गब्बो अपने घर के बाहर कूड़ेदान में शरण लेता है और धर्म द्वारा उनकी जानकारी के बिना फेंपी गई डल्ली के खा रहता है। ये धर्म का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है लेकिन व्यर्थ। एक दिन कुत्ता उसका पीछा करता है और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुत्ते के साथ चार्ली चैपलिन के बंधक को देखने के लिए कुत्ते पर हमला किया जाता है। अश्विन कुमार को कुत्ते को अपने साथ रहने के लिए कहा जाता है जब कोहिता की गोद लेने के वाला आखिर कुत्ते का लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। हालांकि अनिच्छुक से क्योंकि कॉलोनी के सदस्य कुत्ते को अनुमान नहीं देते हैं। धर्म सहमत के कुत्ते की देखभाल करना जहां उसके और कुत्ते के बीच संबंध एक हद बढ़ जाता है जहां धर्म एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। चार्ली चैपलिन के नाम पर कुत्ते चार्ली नाम का रखा गया जिसके देखभाल करता है। कॉलोनी में एक बच्चे के साथ कुत्ता जिसका नाम आदिति उर्फ आदि है एक दिन चार्ली होश में होती है जहां धर्मों को पता चलता है कि चार्ली कैंसर बीमारियों से पीड़ित है और ये अनुवादित दोष पीड़ित के अंबाजित प्रजनन तकनीक और चार्ली के एक बड़ा कुत्ते के रूप में लगातार यत्ना के कारण हुआ है। व्याकुल धर्म चार्ली की इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि चार्ली को बर्फ के खुलना पसंद है क्योंकि जब भी टीवी पर बर्फ दिखाई देते हैं तो वो उत्साहित हो जाते हैं। वो चार्ली के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होता है। एक पशु कल्याण कार्यकर्ता देविका सोचनी के धर्म चक्री के प्रताड़ित करता है और उसका सामना करने उसे पर आरोप लगने के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए उसका पीछा करने का फैसला करता है। मार्ग में धर्म पुष्य चिकित्सक से चार्ली की ब्रिगेड के बारे में सीखता है और चार्ली के प्रताड़ित किए जाने के एक वीडियो प्राप्त करता है जहां उसे पता चलता है कि चार्ली का नाम वास्तव में कीटन था। धर्म चार्ली की कीटन के रूप में संबोधित करने की इसकी पुष्टि करने से चार्ली नाम का एक जवाब देता है और डर से दिखाता है। वो ब्रिगेड के घर पहुँचता है और उसकी पिटाई करता है। ब्रिगेड को बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी कुत्ते के एनियल एल्फेबेट की टीम ने रिव्यू किया। देविका अपने टीम के माध्यम से इस घटना के बारे में पता चलता है जो धर्म के लिए एक फर्स्ट कॉर्नर विकसित करते हैं और उसे बताते हैं कि किसी भी मदद के लिए तैयार है लेकिन उसे अपनी नौकरी पर निर्धारित प्रतिबंधताओं का कार्य छोड़ना होगा। और दीपिका को माध्यम से धर्म की मुलाकात कर सफाई की होती है जो अपने और उनके बच्चों के लिए एक यातना होती है और उसकी कहानी वहीं पर समाप्त होती है।